कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिसका असर वैक्सीनेशन पर भी देखा जा रहा है। ऐसी ही एक अफवाह को सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गलत करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है जो साबित करता हो कि कोरोना वैक्सीन के कारण बांझपन होता है। ऐसे में इस तरह की बातों पर ध्यान न दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चिंता व्यक्त की गई थी कि वैक्सीनेशन के कारण पुरुषों महिलाओं में बांझपन की दिक्कत पैदा हो सकती है। मंत्रालय का कहना है कि पिछले कुछ वक्त में मीडिया रिपोर्ट्स में फ्रंटलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर वर्कर्स से अंधविश्वास और अन्य बातों की चिंता को लेकर मुद्दा उठाया था। पोलियो और अनवैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान भी इस तरह की चीजें सामने आई थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि वैक्सीन के कारण बांझपन नहीं होता है। सभी वैक्सीन को पहले ही टेस्ट किया गया है, हर तरह से परखा जा चुका है। इनकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि हाल ही में वैक्सीनेशन को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने ये अपील की थी कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी टीकाकरण जरूरी है और बच्चों की सेफ्टी के लिहाज से भी अहम है। देश में जारी मिशन वैक्सीन के बीच कई तरह की रुकावटें आ रही हैं। कई ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के प्रति डर फैला हुआ है और कोई अंधविश्वास को मान रहा है। ऐसे में टीकाकरण को लेकर लगातार गलत जानकारियां ना फैलाने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।